Dear kids, welcome to our English class. Today we read the chapter 6, Peter Rabbit. Now we start the chapter reading. Once upon a time, there were a 4 little rabbits. Their name were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. They lived with their mother in a hole under a big fir tree. ये एक समय की बात है जहाँ पर एक 4 रैबिट छोटे छोटे रहते थे। वो अपनी मम्मा के साथ एक बड़े बिग फीट ट्री के नीचे एक होल में रहते थे और उनके नाम थे फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटनटेल एंड पीटर। नाउ माय डियर, सेड ओल्ड मिसेस रैबिट, वन मॉर्निंग यू मे गो इनटू द फील्ड और डाउन द लेन, बट डोंट गो इनटू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन। मेरे प्यारों, एक सुबह मम्मा कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, आप नीचे खेत में जा सकते हो और जा नीचे गली में जा सकते हो, लेकिन आप मिस्टर मैकग्रेगर के बाग में नहीं जाओगे। शी हेल्पर द लिटिल रैबिट पुट ऑन देयर कोट्स, नाउ रन लॉन्ग एंड डोंट गेट इनटू ट्रबल, आई एम गोइंग आउट। वो मिसेस रैबिट उनका कोट पहनाने में छोटे रैबिट की हेल्प करती है और कहती है कि अब मैं बाहर जा रही हूँ, आप किसी मुश्किल में ना पड़ जाना। देन ओल्ड मिसेस रैबिट टुक अ बास्केट एंड हर अम्ब्रेला। मिसेस रैबिट अपना अम्ब्रेला लेती है और एक बास्केट लेती है एंड वेंट थ्रू द वुड्स टू द बेकरी, और बेकरी पर चली जाती है। शी बॉट अ लोफ ऑफ ब्राउन ब्रेड एंड 5 फूड बंस, वहाँ पर वो एक ब्राउन ब्रेड लेती है और 5 फ्रूट बंस। फ्लॉपसी, मॉपसी एंड कॉटनटेल वर गुड लिटल बनीज। फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटनटेल एंड पीटर 4 छोटे प्यारे खरगोश हैं। दे वेंट आउट टू कलेक्ट ब्लैकबेरीज, और वो ब्लैकबेरीज इकट्ठी करने जाते हैं। बट पीटर वाज वेरी नॉटी, उनमें से जो पीटर रैबिट होता है वो बहुत शरारती होता है। ही रैन स्ट्रेट टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन, पुशिंग हिमसेल्फ इन थ्रू अ लिटिल स्पेस अंडर द गेट, और वो सीधा कहाँ चला जाता है, मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में चला जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा गेट में स्पेस होती है, वहाँ से वो अंदर घुस जाता है। फर्स्ट ही ईट सम नेटिव्स एंड सम फ्रेंच बीन्स, देन ही ईट सम रेडिश, देन फीडिंग अ लिटिल सेट ही वेंट टू लुक फॉर सम पेस्ट्री। थोड़ी लेट्यूस, फ्रेंच बीन्स और रेडिश खाने के बाद वो अपने आप को थोड़ा बीमार महसूस करता है और पार्सली ढूंढने लगता है। बट ऑन द वे पीटर सा मिस्टर मैकग्रेगर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, पर रास्ते में उसको अपने सामने मिस्टर मैकग्रेगर दिखते हैं। मिस्टर मैकग्रेगर वाज ऑन हिज हैंड एंड नीज, और वो प्लांटिंग कैबेज, ही जंपिंग अप एंड रैन आफ्टर पीटर, और वो क्या कर रहे होते हैं, कैबेज प्लांट कर रहे होते हैं, वो फिर कूद कर और दौड़ते हैं पीटर रैबिट के पास। ही वाज वेविंग अ रेक एंड शॉटिंग स्टॉप थी, और वो उसके हाथ में होता है रेक। रेक का मीनिंग है घास इकट्ठी करने का टूल। वो चलाते हैं और बोलते हैं रुको चोर। पीटर वाज फ्राइटेंड, पीटर डर जाता है। ही रश्ड ऑल ओवर द गार्डन, वो पूरे गार्डन में दौड़ता है। ओह नो, ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट, वो वापस जाने का रास्ता भूल जाता है। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शू अमंग द कैबेज एंड द अदर शू अमंग द टैटूज। आफ्टर लूजिंग देम ही रैन ऑन 4 लेग्स एंड वेंट फास्टर, वो अपने दोनों शूज गार्डन में ही भूल जाता है
और अपनी चारों टांगों पर बहुत तेज दौड़ता है। बट देन ही रेन इंटू अ गूसबेरी नेट, और रास्ते में ही वो गूसबेरी के नेट में फंस जाता है। मिस्टर मैकग्रेगर मस्ट हैव पुट द नेट टू कीप द गूसबेरी सेफ फ्रॉम बर्ड, जो कि मिस्टर मैकग्रेगर ने कुछ पंछियों से बचाने के लिए गूसबेरी को बिछाया होता है। बट पीटर वाज वेयरिंग अ ब्लू जैकेट विद बिग बटन, जो पीटर ने बड़े बटन वाली ब्लू जैकेट पहनी होती है। एंड द लार्ज बटन गॉट कॉट इन द नेट, और जो उसका बड़ा बटन होता है वो नेट में अटक जाता है। पीटर स्टार्टेड क्राइंग, सम फ्रेंडली स्पैरो हर्ड हिज क्राइज एंड हेल्पड हिम गेट आउट ऑफ द नेट। जब पीटर चिल्लाता है तो कुछ स्पैरो उसकी आवाज़ सुनती हैं और उसकी हेल्प के लिए आती हैं। जस्ट देन मिस्टर मैकग्रेगर केम रनिंग विद अ सील, तब वहीं पर मिस्टर मैकग्रेगर आ जाते हैं। ही वाज गोइंग टू कैच पीटर इन इट, जो उसके हैंड में सीव होता है, एक छन्नी होती है जिससे कि वो पीटर को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। बट पीटर गॉट आउट जस्ट इन टाइम लीविंग की जैकेट बहाएं, लेकिन जो पीटर रैबिट होता है वो कुछ ही समय में वहां से बहुत तेज निकल जाता है। थैंक यू।